हजरत साहब के नाम ही सफर किया है। आप किसी वजह तो वापस दरबार शरीफ तशरीफ लै गए। पीर भाईओ दिल च ख्याल नहीं करना कि असि इतना इंतजाम किया है, साडा मुर्शिद नहीं आया। जिस मुरीद के दिल में ख्याल आ जाए उसके दिल च फिर खतरा डल जाता है। तो जी अकीदा ही लैके बैठो कि साडा पीर अलीपुर च बह के भी साडा मुशाहदा पिया करना, फिर इंशाअल्लाह कमी नहीं आने लगनी। हुक्म होया कि सरकार की वलादत बादशाहत का जिक्र करना है और आखिर से एक करामत हजूर शहनशाह लखानी की मैं पेश करनी है। मेरे तो कबल नाथ खान हजरात बारगाहे विसालत के अंदर अपनी हाजिरी पेश करवा चुके हैं, पर मेरे तो बाद भी दुनिया इस्लाम के अजीम सना खान जनाबे हाफ़िज़ो क़ारी खलील सुल्तान साहब अशरफी सिद्दीकी दामत बरकातुहु कुदसिया तशरीफ लिया के बारगाह रिसालत के अंदर अपनी हाजिरी पेश फरमाएंगे। बस तवज्जो रखो, मैं अपनी तकरीर का आगाज लगा करना। मालिक कायनात का निज़ामे कुदरत है, तवज्जो अहमे रहे। मालिक कायनात का निज़ामे कुदरत है कि दुनिया के मावां बच्चियां जन्म देंदियां सन और मावां बच्चियां जन्म देंदियां ने क्यामत तक देंदियां रहनगियां। जीवन कह चलो सुभान अल्लाह। कि मालिक कायनात का निज़ामे कुदरत है कि दुनिया के मावां बच्चियां जन्म देंदियां सन देंदियां ने क्यामत तक देंदियां रहनगियां। जो अल्लाह करम करे किसी भी मां फजर वेले इलम नहीं होता कि अल्लाह ने मेरे से करम भी किया। पांच सात मिनट औखे ने जो समझ जाओगे तो तुम मेरे आका की वलादत की समझ आ जाएगी। जिन्हें चाहे पिछले चौके बुरे हाल मौके के हरे बना के गलिया बाजार में वह तो अभी इको जी हैं। मालक खालक राजक अलग में शहर कबीर की शान का मालक है, जो चाहे कर सकता बगैर पता भी नहीं लगता। देने वाली वो भी बात है, पर जी अल्लाह करम करे तो फजर वेले किसी भी मां को इलम नहीं होता कि अल्लाह ने मेरे से करम भी किया है कि नहीं। फिर जो कुछ वक्त गुजर जाए फिर मां को इलम होता है कि अल्लाह ने मेरे से करम किया। खुशी होती है नबी के मिलाद का सदका, जेड़ा कोई बे औलाद बैठा है अल्लाह सरकार के मिलाद का सदका भी ग्रोथ अली फरमाए। कुछ वक्त गुजरे कि मां इलम होता है फिर कहते याद का तेरा शुक्र, पर फिर भी किसी भी मां को इलम नहीं होता कि रब पुत्र देगा कि धी देगा। किसी भी मां या बाप में इलम नहीं आता कि अल्लाह मैं पुत्र देगा या बेटी अता करेगा। चलो अल्लाह जिन्हों के नहीं अल्लाह बेटी अता फरमाएगा। कुछ महीने गुजर जाने तो बाद अगर पता भी लग गए कि अल्लाह पुत्र देगा, पर किसी के मां बाप को इलम नहीं आता कि कल जिंदा भी होएगा कि नहीं। चाहे किड्डा मदना व्याला बंदियाला मशीर वजीर कुबादशाह कोई भी होए किसी को इलम नहीं होता कि कल में जिंदा भी होएगा कि नहीं। चलो अल्लाह जिन्हें देवे अल्लाह उन्होंने सलामत रखे। जीवाना कह चलो आमीन। अल्लाह जिन्हें दे उन्होंने सलामत रखे।
किसी की मां को इलम नहीं होता कि वड्डा होके की बनेगा, कि कारी बनेगा, कि नाथ खां बनेगा, कि खतीब बनेगा, कि अदना बनेगा, कि आला बनेगा, कि वजीर बनेगा, कि मशीर बनेगा, इनको किन्ने इख्तियार होंगे। मालिक कायनात ने फरमाया कि दुनिया दिया मावां ने जिन्हें इलम नहीं, पर आमिना जो तेरी वारी आई मालिक कायनात ने फरमाया आमना दुनिया दिया मावां ने जिन्हें इलम नहीं होगा, पर जितो मेरा महबूब तेरी गोद बेच आएगा फिर आमना देर नहीं चलेगा। नहीं समझ आई आमना देने कि फैसला ही सही था आमना को करा लो। जी मेरी भी मां है, तेरी भी मां है, पूरी कायनात की मां है। कि तू नहीं कहना मैं ते नबी को जे तेरी बेटे ते पता नहीं लगता ना ने कदम भी कीता है कि नहीं। जे सही था आमना को फैसला करा लो। जी तेरी भी मां, मेरी भी मां, पूरी कायनात की मां आमना को फैसला करा लो। सैयदा आमना एक दुनिया की मावां ने जिन्होंने पता नहीं कि मेरे के तेरे करीब लज पाल आका की अम्मा आमिना फरमा दिया ने सुभान अल्लाह बुरा कह नहीं चढ़िया सैयदा तैये बाता है लाया बेदाता है दाया लिमा फादला सैयदा आमना फरमा दिया ने मैं पूछिया कौन आवाज आई आमिना तेनू मुबारक होए तेरी गोद विच नूरे मुस्तफा गोद विच नूरे मुस्तफा आ गया है सैयदा आमना फरमांदिया ने मैं पूछिया बाबा तू है कौन है बाबा तू है कौन है आवाज आई आमना मैं हजरत आदम अलैहि सलाम मैं नबी हो अलीपुर सईदा शरीफ Hey, you
ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਕਲਦਾਨ ਨਾ ਤੇਰੀ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੇਰੀ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 5 ਮਹੀਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਤੀਏ। ਪਾਗਲਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆ ਕਦੀ ਕਿਹੜੇ ਪੰਜ ਚਾਤੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਚਲੋ, ਮੇਰੀ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਇਹਨੇ ਮੌਲਾਮਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਕਿਸੇ ਕਾਰੀ ਦੀ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਕਿਸੇ ਸ਼ੈਖ ਪੀਰ ਦੀ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਮਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮੰਨੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦੀ ਨਾ ਮੰਨੇ ਹਟਾਲੀਏ, ਉਹ ਪੱਕਾ ਪੀਟਾ ਹਰਾਮੀ। ਹੋਏ ਪੁੱਤਰ ਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਕਰਜਮਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਕਦੀਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਨਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਹੈਦਰੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਗੌਸੀਆ ਵੀ ਕੱਟੇ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗਿਆ, ਭਜੀ ਤੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਹਬਾ ਲਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦੀ ਪੀਆਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਗੂੰਜ ਪਾ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਸੁਬਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏ, ਕਿ ਅੱਜ ਕਰੀਏ ਸੋਹਣਿਆ। ਆਪਣੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਮਹਿਬੂਬ ਤੇਰੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੇ ਟੈਂਕੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਿਆ ਦੱਸਣਾ, ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਫੂ ਆ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਆਕਾ ਦਾ ਬੁਲਾਵਾ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚ ਆਫੂ ਜਾਰੂ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਦੀਨੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਮਦੀਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਚ ਆਫੂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਹਬੀਬ ਦਾ ਗੁੰਬਦ ਦੇ ਖਦਰਾ ਵੇਖਣ ਦੀ ਸਾਦਤ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਈ। ਫਰਮਾਇਆ ਆਮੀਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਵਾਲਾ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੀ ਚੋਟੀ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਦਮਾਂ ਪਾਕਾਂ ਦੇ ਨਾਖਨਾ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੱਕ ਸਦਾ ਭਾਈ ਰਹਿਮਤ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੇ। ਜਦੋਂ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸੂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ 12 ਤੋਂ ਸੂਈ ਟੱਪੀ
जबरील का गुजर होया कितों जबरील लंघिया सैयदा आमना दी गोदी लै गया जबरील लंघिया रब की बारगाह के अंदर या अल्लाह ना लेके ना मेरे यार की वलादत दी रादे या अल्लाह मेरे को चंडे नहीं लवाए नी या अल्लाह पुतिया तो अल्लाह पुत्र भी बना छड़े नी या अल्लाह मैं सैयदा आमना दी गोदी लै गयो लंघिया या अल्लाह उते इंतजाम ही कोई नहीं लैद कोई नहीं उते दाई कोई नहीं माते कायनात ने फरमाया जबरील जल्दी कर हवा नु ले आ आसिया नु ले आ मरियम नु ले आ हाजरा नु ले आ या अल्लाह इन्हां दीआं कोठियां किथे ने या अल्लाह इन्हां दे बंगले किथे ने माते कायनात ने फरमाया जबरील ए अपनियां अपनियां कब्रां विच बैठियां इत्तला दा इंतजार पईआं कबरां विच बैठिया इस रात का इंतजार पिया कर दिया ने मैं क्या तेरिया माइया इस रात का इंतजार पिया कर दिया ने अपनी अपनी कबरां विच बैठिया इस रात का इंतजार पिया कर दिया ने जेड़िया मेरे नबी की वलादत ते ताईयां बनवा लिया ने ओए दीदी ताई दा ए मकाम ए सैयदा आमना दा की मकाम जबरील लै गए जबरील आ गया हां यार चलो बीबीओ आमना बिगा मेरी यार की बलात की कड़ी पेश आ गई बीबियां चुनिया रब ने फिर बुला लिया रब ने कहा हवा आसिया मरियम हाजरा कल सुनो जाके आमना ना सलाम लेना जी तीजी तानू आमना पूछे ना तुसी कौन हो ये नहीं कहना सी नबिया दिया बीबियां बल्कि कहना आमना सी तेरे लाल दिया दानियां बन के ये भी शो करना कि नबिया दिया बीबियां सैयदा आमना फरमा दिया ने रात दो दा वेला हो गया मेरी अग कुली मैं देखा मेरे मकान ते छाती कोई नहीं मैं डर गया कपड़ा लेके लेट गई मेरे कन्ना च आवाज आई आमना डरनी क्यों है ग्राहकां खोल के वेखते नहीं सैयदा आमना फरमांदियां ने जदों मैं अग्गां खोल के वेखिया मेरे मकान ते छाती कोई नहीं ते जन्नत दियां हूरां ते फरिश्ते मेरे घर दा तवाफ पे करदे ने एक परिंदा आया वाइट रंग का सफेद रंग का उसके हाथ में प्याला पानी का भी ये भी पढ़िया मैं सैयदा आमना फरमा दिया जो चार का वक्त होया ना एक मैं तमीर मिलिया दीदी भाई तमीर मिलिया जवाब आई आमना जिरा तेन रब ने लाल देना वो गल में पा छड़ी जिम्मेदार है जी मिंबर से गल करा तमीर
मैं क्या रब अपने यार तमीज प्या पवा जी अभी अपने पीर को मंग ली जी अभी अपू नक्शे लसानी को लसानी को अपने पीर को तमीज मंग ली तो गौरवी शरीर सदवे के मिल जाए प्याला पानी का जवाब आमना पी सैयदा फरमांदियां ने कि मैनू प्यास ही कोई नहीं मैं क्या नहीं पीना तीन दफा इनकार किया सैयदा आमना फरमांदियां ने ते कन्ना जवाब ही आमना पी लै मैं प्याला पानी का पी गई मैं पूछा मानी पानी के हो गया सफेद के हो गया सैयदा फरमांदियां ने अपनी जिंदगी एडा सफेद रंग का पानी देखिए मीठा के हो गया मैं यह शहद भी नहीं देखिया शहद तो भी कई गुना खुशबुआ के हो गया मैं मुश्को अंबर की ओर लागे होया सैयदा फरमांदियां ने चार का वेला फिर चार बज के 19 मिनट का वेला आया फिर परिंदा आया उन्हें लागे खड़े हो गए सैयदा फरमांदियां ने मैं दत्या मारिया उन्हें अपना छोटा जा पर को लिया उन्हें पर को गए उन्हें नंग दिया अपना पर मेरी छाती नंग मत कीता ओदे मत करन दी देर हुई है सैयदा फरमांदियां ने खाला जा मिनी जिन्ना को रब ने वादा लिया जो मेरा यार आ जाए अपने किश्तले लेट ले उदोले खोली फिरते रब ने नबिया आखिर लेट ले जिन्ह ने पिछले भी लेट ले चंगे जिन्हें बेचार ने खोल छड़े वो फिर ऐसे खुले ने कि उस पिंड कभी उस पिंड कभी उस पिंड क्योंकि उदों के भजे हुए ना जिन्हें नबिया ने भी लेट ले रब फरमान फरिश्तियां रब फरमान फरिश्तियां चंगे सड़कों गर्ब लाने लग पे मिट्टी सिर विच पा शैतान रोया चंगे शर्को कर लाने लग
सुन्नी सारे जो हम भी ना मनाए सुन्नी दे नहीं रिश्तेदार क्योंकि एक ही आंकड़े है बाकी तो सारे मान गए दादी कश्मीर पदमे लखानी वाले मुबारकबाद हो कि तुम सरकार का मिलाद पे मनाते हो मिलाद मना एक बहाना सी कि मैं अगे शुरू चर्च की है बादशाह बादशाह ही होता है किसी भी बैठा हो साड़ी किस तरह मेरे आका ने मजबूत की सही मोहम्मद अशरफ वाला आप नहीं पता कि तुम जा रहे हो नहीं कहने पे देखते पे नहीं कि मेरे प्यो दादे के गुलाम मेरे नाने का मिलाप सजा के बैठे हुए मेरे हुक्म होया थी अब वक्त मेरा थोड़ा रह गया हुक्म होया थी कि एक शाहे शाहे दासानी की करामत भी सुनानी क्यों मैं लगा सुना तवज्जो है पीर भाई को जे जाग दिया को सुभान अल्लाह कुत्ते नु आखो सुभान अल्लाह नहीं ये दीवाने हो नहीं जा रहे हैं बड़ी मुद्दत बात आया इतने मैंने अब बंद ने कारण कराया कि तुम इतने छोटे होंगे कि नाच पड़ी थी हजूर लाला ही टाइम चूला लै रहा दौर थी जदू लक्षे लखानी टाइम चूला लै रहा दौर थी बादल हम तो पुराने कमी के दर्जे सामू के जो भी शहर मिले अलीपुर के सैयदा को मेरे दादा जी ने 36 साल कितने साल 36 साल शाहे दसानी का लंगर ते जो हजूर शाहे दसानी का वसाल होया ना भाई साहब जिंदा बाल साहब हम चला लौट कर दे बोला गुलाम नबी भाई साहब फरमाने के तुम भी अगर पता लगा कि हजूर शाहे दसानी का वसाल हो गया क्या फरमाते मेरे बाल साहब मैं दूजे जनाबे च रलिया था हजूर शाहे दसानी के दूसरे जनाबे ते सारे खोला फा ते मुरी दीन अगलिया सत्रां च खड़े सन ते मैं वेख्या ते मैनूं मेरा बालक नजर ना आए सारे खोलाफा खड़े ने यही एक कबूलियत हाजरी का वक्त है पता नहीं मेरे अब्बा जी किथे चले गए आप फरमाते मैं सारिया हवेलियां फोलियां पर मैनू कि मेरा बाप नजर ना आया अखीर मैं फट के बह गया ते कोई आवाज देने वाला कहता सूफी जी जाओ हवेली के अंदर जो देखिया तो आप फरमाते हैं कि मेरे बाल के मोहतरम तंदूर से रोटियां पे लाऊं मैं क्या अब्बा जी तंदूर का दूसरा जनाजा है सारे खोला पा खड़े ने कबूलियत की घड़ी तो तुम रोटियां पका रहे हो या फरमाना कि बेटा चुप कर फना कैसी बका कैसी जब उसके आश ना ठहरे कभी इस घर में आ ठहरे कभी उस घर में जा ठहरे के मेरा पीर इसे की राजी है कि रोटियां पका मेरे दरवाजे से जरा मुरीद आया भुखा ना वापस अभी जो उम्मीद है मुरीद पर दादा के अकीदा ते माने हो घर खाली नहीं हो नबरक पास।
हजूर बाबा जी तशरीफ लैके अलीपुर के इलाके सियालकोट के इलाके जरूर किसी गुलाम ने ना बछेरा दिता आप घोड़ी दी आप क्या फरमाया जा सैया शाह हम लैके अलीपुर किनू हजूर शाहे दानी रहमतुल्लाह नक्शे दानी रहमतुल्लाह सारा गए हरली के हजूर बाबा जी बुला रहे अलीपुर का सैयद नंगे पैरी बाबा जी की बारगाह हजूर दिल्ली वाला हुक्म आखना शाह जी ए मेरी घोड़ी लै जाओ इन्हें जाके पट्ठे पाया फिर जो मैं सुना भेजागा इन चूरा शरीफ पहुंचा देना जो मैं सुना भेजा इन चूरा शरीफ पहुंचा देना हजूर शाह लखानी ने घोड़ी की लगाम पकड़ी अलीपुर शरीफ पट्ठे भी पौने कोई ऐसा वक्त भी आना कि शाह लखानी ने घोड़ी के लागे पै के घोड़ी दत्त भी टूटी कुछ महीने गुजरे से घोड़ी सू पई पिछेड़ा दिता ते गुलाम भेजा जा भी बाबा जी जाके आखी हजूर घोड़ी ताकि सू पई है पिछेड़ा दिता है तो हूं मेरे वास्ते की हुक्म है बाबा जी फकीर मोहम्मद चुराही अहमदुल्ला ने पैगाम भेजा संगिया शाह जाके मेरा सलाम आखी आखी भी 25 दिन तक इन चूरा शरीफ पहुंचा दे इन चूरा शरीफ पहुंचा दे कुर्बान जावी बोला तैयार दादा ने नबी उला दी अली घोड़ी दी लगाम पकड़ी है विशेरा चुकिया खुदा दी कसमे पीर पायो दी बड़ी कुछ नबी बा साडे गल विच ओ पीर दी गुलामी दा पटाए जेड़ा आले नबी दी है ते उला दी अली आले नबी उला दी अली दी है ते मैं हुजूर जाए ला थानी ने लगाम पकड़ी बशेरा मोटिया तुर पे नहीं करो किथे चूड़ा शरीफ 350 मील चूड़ा शरीफ अलीपुरों हूं अभी लैंड क्रूजर से जाने पीड़ा अलग पता जाता है ये लागे सफर ही नहीं मुक्न का ना लेंदा चूड़ा शरीफ का जो अलीपुर का लाड़ा गया हो सैयद बाबा जी का बाबा जी फकीर मोहम्मद चुराही के दरवाजे से पहुंचा होगा उदो की आलम होगा खुदा की कसमें मैं गया पहली दफा कोई 5-6 साल की गल है जो सड़क तो ना रूर तुरना पाया मुझे पिंड तक चूड़ा शरीफ तक मैं अपने भाई के नाल मैं यार मेरे लत्त खालियां यार कितने बाबा जी ने डेरा लाया थोड़ा जहां आ जाते नील भाई कह लगा वो भी मेरा याद कर जो साडा दादा शाहे लखानी अलीपुर पैदल इतने भी मेरा याद कर जो अलीपुर शरीफ हूं साडा दादा बाबा जी पैदल चूड़ा श्री शाहे लखानी आता सी तो उन्होंने लोगों को थकन नहीं आती होगी मैं भाई है उन्होंने भी मारा भी खान दे मैं क्या उन्होंने सदका खान दे कि सड़क कोई बना गया तो गड्डिया अभी भजाई जाने गड्डिया भजाने वाली गल है ना जरूर जाए ला दानी रहमतुल्लाह ने शेरा चुकिया दी रात का वेला होया बाबा जी चुराही रहमतुल्लाह ताला चूरा श्री पागल होए इसे करके कहने अल्लाह वालिया दी बह के सदमे अंदर अल्लाह वालिया दी बह के सदमे अंदर मोती अदब दे सैब थी रोलिया कर हमने खत्म नाराज पर बोलिया दे हमने खत्म नाराज पर बोलिया दे जो बोले अदब नाल बोलिया कर हर हर नो दुख भी सार नहीं हो हर अगे दुख ना फरोलिया कर हर हर अगे मोलिया रो नालो मुर्शद सामने पै के पत्थर ना घोड़ी बनी मशीना लाया ते बह गए बह के घोड़ी दिया ना हजूर
ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਆ ਬੋਲ ਗਏ ਤੇਰੀ ਕੀ ਸਲਾਹ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਪਿਛਲਾ ਪੈਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰੂਹ ਸ਼ਰਮਾਇਆ ਗੁਲਾਮ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੋਲੇ ਮੰਜੂਰੇ ਨਜ਼ਰ ਕਿਆ ਲਗਾ ਦੂਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵੀ ਆਏ ਆਸਮਾਨ ਲਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਗੋਂ ਲਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਗਰ ਪਾਲ ਕੇ ਬਾਰੇ ਵੇ ਆਪਨੇ ਬਣਾ ਜਾ ਬੇਟਾ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਅਲੀਪੁਰ ਦਾ ਸੈਯਦ ਦਾਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਗਰਾਨੀ ਵੀ ਆ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕਰੀਬ ਆ ਜਾਓ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅਲੀਪੁਰ ਦੇ ਤਾਜਦਾਰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਲਾਥਾਨੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਸੀਨਾ ਲਾਓ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਸੀਨਾ ਲਾਓ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੂਰੇ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵਾਦਾ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕੋੜੀ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਪੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇਰੀ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖੁੱਟਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨਕਸ਼ੇ ਲਸਾਨੀ ਦਾ ਦੌਰ ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਫਖਰੇ ਲਸਾਨੀ ਦਾ ਦੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖ ਲੋ ਵਾਰਸੇ ਬਸਨ ਦੇ ਗੁਲਸ਼ਨ ਸ਼ਾਹੇ ਲਸਾਨੀ ਮੇਰੇ ਆਖਾ ਨਿਮਤ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਬਲਾ ਪੀਰ ਸੈਯਦ ਮੁਹੰਮਦ ਦਸਾ ਇਕਬਾਲ ਆਪ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤਾ ਮੁਸਲ ਕਾਬੂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਕਿੰਨੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਚੌਥੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਤਾਂ ਨੀ ਪੁੱਟਦੇ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਖਾ ਨਿਮਤ ਨੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਅਲੀਪੁਰ ਸ਼ਰੀਫ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਨਾ ਅਲੀਪੁਰ ਸ਼ਰੀਫ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਲੀਪੁਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਵੀ ਅਦਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਸ ਨਿਸਬਤ ਨੂੰ ਤੇ ਜੇ ਸਾਬੇ ਕਾਫ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਵਲੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਿਆ ਮਤਲਬ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀਪੁਰ ਦੀ ਗਲੀ ਚ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੁਆ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਹਬੀਬ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਣਾ ਆਪਣੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਫੇ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਮੇਰੇ ਆਪਕਾ ਨਿਮਤ ਵਾਲੀ ਨਿਮਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਬਲਾ ਪੀਰ ਸੈਯਦ ਮੁਹੰਮਦ ਅਫੀਕ ਵਾਲਾ ਬਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਫਾਏ ਕਾਮਲਾ ਆਇਲਾ ਤਾਂ ਨਸੀਹਤ ਆਪ ਫਰਮਾਏ ਆਪ ਦਾ ਸਾਇਆ ਸਾਰੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਸਾਥ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿਆਮਤ ਕਿਆਮ ਉਦਾਨ ਕਾ ਫਰਮਾਏ ਖਲਾਤ ਰਾਤ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਭ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਨਾਖ ਖਾਨ ਔਰ ਮੇਰੇ ਆਪਕਾ ਨਿਮਤ ਵਾਲੀ ਨਿਮਤ ਸਜਾਦਾ ਨਸ਼ੀਨ ਆਸਤਾਨੇ ਆਲੀ ਅਲੀਪੁਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਦਰ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਦੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਆਪਕਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਦਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਾ ਤਮੀਜ਼ ਹੋਈ ਇਹ ਸਮਝੋ ਮੈਂ ਹੀ ਨਕੀਬੇ ਮਹਿਫਲ ਹਾਂ